आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। हम अध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं तो अध्यात्म विज्ञान जैसा आप बताते हैं कि ये सनातन है और ये मुक्ति का मार्ग है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कई बार मेरे स्वयं के दिमाग में ये प्रश्न आता है कि अगर मैं जो है सदगति की बात करूँ और सदगति जैसे मान लीजिए देवलोक की बात करें तो उसके अंदर चले गए, भावों की बात कर रहा हूँ, मुझे भीतर कैसे भाव बने चाहिए, क्योंकि जो आयुष्य बंद होगा वो भी 8 कर्मों में से, वो भी भाव से बंद होगा, तो भावों के अंदर क्या मैं ये भावूँ हर क्षण की जो है, और उसको सनातन सत्य को केंद्र में रख करके कि मुझे हर जन्म के अंदर मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को मानव जीवन मिले और मेरे को हर समय में ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले, ताकि कि उस छोटे से मानव जीवन के अंदर मैं मेरा जो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है मिथ्या से सम्यक जो है उसकी परसेंटेज को बढ़ाता रहूं, क्योंकि देवलोक में चला गया तो वो तो समुंदर है, मिनिमम 10,000 अधिकतम 33 सागरोपम, तो सारा समय उसमें निकल जाएगा, तो मुक्ति तो बहुत दूर चली गई है, तो क्या मेरी ये सोच मेरी ये भावना जो है या अन्य महात्माओं की भावना, भाव से जो भाव से भव सुधरता, आप कहते हैं भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा, भाव सुधारो भव सुधरेगा, आप बात करते हैं, तो कृपया ये इंडिविजुअल एक लाभ का फायदा है कि अपने अगले जो है आयुष्य के लिए क्या भावना बनानी चाहिए भावों में और सनातन सत्य को केंद्र में रख करके, तो कृपया इसको थोड़ा और स्पष्टीकरण करें ताकि हमारे जो उच्च वर्ग के महात्मा हैं वो भी ऐसे भाव भाते रहें। धन्यवाद प्रश्न के लिए। सबसे बड़ी बात ये है कि धीरे धीरे ये आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि जब समझ में आती है तो इस दृष्टि के माध्यम से हमको ये समझ में आता है कि न शरीर हमारा है और शरीर चलाने की स्वतंत्रता भी हमारे पास नहीं है, और शरीर से जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध साधन भी हमारे नहीं है। तो ये विज्ञान समझने के बाद अगर इतना भी हमको बात क्लियर हो जाती है तो हम इनके रिलेटेड भाव करेंगे या मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग के भाव करेंगे, क्योंकि ये तो मिलने के बाद भी रहने का नहीं है, तो जो मिटेगा नहीं ऐसा मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग प्राप्त हो ऐसी भावना होनी चाहिए, क्योंकि मुक्ति का मतलब है सिर्फ घर बार छोड़ना, परिवार छोड़ना, शरीर छोड़ना, ये नहीं है। मुक्ति का मतलब है खुद को खुद की अनुभूति करना, ये किसी को छोड़ने की त्याग करने की बात नहीं है। कई लोग कहते हैं खास करके त्यागी लोग कि बिना त्याग मोक्ष नहीं है, तो मैंने कहा दुनिया में एक व्यक्ति का एग्जाम्पल बताओ पूरी इतिहास में जिन्होंने ये दुनिया छोड़ी नहीं है, है कोई एग्जाम्पल? तो त्याग अपने आप होता है कि करने का होता है? अपने आप होना चाहिए, जो कुदरत देती है वो कुदरत लेती है, उसमें हम त्याग करने वाले कौन
कौन त्याग करने वाले? अज्ञान का त्याग होना चाहिए। नहीं, मगर दुनिया में जो त्याग की बात हो रही है वो अज्ञान की नहीं होती है। तो जो कुदरत देती है और जो कुदरत ले लेती है, इसमें मैं त्याग करूंगा वो सब्जेक्ट कहाँ आया? है भी कुदरत का और ले भी कुदरत। अगर आपने आज नहीं छुड़ाए तो कल तो छोड़ना ही है। शरीर भी उनका है तो छोड़ना ही है। तो वो त्याग सब्जेक्ट जो था एक्चुअली अज्ञान को नाश करना, वो त्याग था। मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव को त्याग करना था, देहाद्यास को त्याग करना था। और हम समझे वस्तुओं को, साधनों को, परिवार को छोड़ना, वो त्याग मार्ग है। वास्तव में वो सही नहीं है। तो ऐसा हो गया। तो इसीलिए बात को अगर सिद्धांत से समझोगे तो आपको खुद को ही मालूम हो जाएगा कि त्याग तो अज्ञान दृष्टि का करना होता है, जिसका नाम है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोह नियम। ये तीन को त्याग करना है अपनी दृष्टि में से, तभी हमको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, अनुभव होगा, डेवलपमेंट होगा, और हमारा दर्शन जो है धीरे धीरे केवल दर्शन की ओर आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए त्याग शब्द गलत नहीं है, मगर त्याग क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं, इसको तो क्लियर समझो। जो चीज कुदरत की है और कुदरत के पास ही रहेगी, ऑप्शन नहीं है, इसको आप त्याग कहेंगे, वही तो अज्ञानता है। मगर आपने मालिकी भाव से, कर्ता भाव से, भोक्ता भाव का जो अज्ञान पाला हुआ है, वो अज्ञान को इरेज करोगे तो वो त्याग सच्चा है कि मैं इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज का मालिक नहीं हो सकता। और मालिक मोक्ष लगता है, वो ज्ञान को त्याग कर दो। मैं इस दुनिया में कोई भी क्रिया स्वतंत्र रूप से करने की क्षमता नहीं रखता हूं, इसलिए मैं कर सकता हूं, वो त्याग कर दो। मैं इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी भुगतान होता है पाप पुण्य का, वो मैं कर रहा हूं, वो इरेज कर दो, क्योंकि वो तो सरेंडर कर रहा है, मिलता भी उसको है और छोड़ना भी इसको है। और हम खुद शरीर है ही नहीं और शरीर को चलाने वाले भी नहीं है, तो ये सब्जेक्ट फिजिकली त्याग का या ग्रहण का ये सब्जेक्ट हमारा नहीं होना चाहिए। अगर आप अज्ञानी हैं और त्याग को त्याग मानते हैं, ठीक है, जिससे आपका पुण्य बंध होगा, मगर ये पुण्य बंध के आधार से जो पुण्य मिलेगा, वो पुण्य की भुगतान के लिए अगर देवलोक भी मिलेगा तो वहां भी कुछ पाना तो नहीं है। और इसीलिए पुण्य से कुछ पा सकते हैं और पाप से वो पाया हुआ चला जाता है, या तो अच्छी फीलिंग नहीं होती है, ऐसी भुगतान होती है। तो ये सब रिलेटिव सत्य है, क्योंकि ये कर्मों का खेल है, इसमें हमारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो इसीलिए जैसे जैसे आप सच्चाई समझोगे, आपको मालूम हो जाएगा कि आखिर इंसान के रूप में और एक डेवलप इंसान के रूप में हमको इस दुनिया का सनातन सत्य जो था, है और रहेगा, जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, वो समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और आप सबके लिए बहुत पुण्य की बात है कि आज एक अनुभवी ज्ञानी पुरुष उपलब्ध है, ताकि वो हर प्रकार के प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन देता है सनातन सत्य के आधार पर। वो उनका सनातन सत्य नहीं है, वो तो कुदरत का सनातन सत्य है, वो बता रहे हैं, और वो सबको लागू होता है, मानने वाले को भी और नहीं मानने वाले को। तो मैं मानता हूं कि दुनिया के लोग ये विज्ञान को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें
और धीरे धीरे समझने के बाद दृष्टि से उपयोग करें और अनुभव करने की कोशिश करें, दूसरे को बांटने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ पूरे वर्ल्ड की जो दृष्टि है वो चेंज करना डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है। बाहर की कोई भी क्रिया को बदलने की बात हम नहीं करते हैं, सिर्फ दृष्टि बदलने की बात करते हैं, और वो पॉसिबल है, वो डिफ़िकल्ट नहीं है अगर मार्ग दिखाने वाला है तो। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी हमने काफ़ी गूढ़ता से एपिसोड किए, अब थोड़ा क्योंकि हमारा दायित्व है जिस समाज में हम जी रहे हैं वो समाज का भी कल्याण होना चाहिए, उसका जगत कल्याण होना चाहिए, सनातन सत्य से उनको कुछ मिलना चाहिए, तो ये सनातन सत्य की जो दृष्टि है, एक कॉमन व्यक्ति जो कि गृहस्थी है, उसके बाल बच्चे हैं, उसके माता पिता है, अतिथि देवो भव है, और उसके लिए देश है, राष्ट्र है, समाज है, और वो सब में अपना रोल अदा करना चाहता, पढ़ा लिखा है, वो कह रहे मुझे एक अच्छा गृहस्थी बनूं मैं हर दृष्टि से, तो उसके लिए आपका दृष्टि विज्ञान आर्ट ऑफ द विजन है, वो किस तरीके से अपने जीवन के अंदर एक कहना चाहिए लक्ष्य बना करके रखे, ताकि उसका जो समग्र जीवन मैंने जो बताया वो समग्र जीवन में एक अच्छा इंसान बन सके। तो अच्छा इंसान बनाने की दृष्टि से और सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान कैसे काम करता है, कृपया एक होलिस्टिक रूप से इसको बताने की कृपा करें। जरूर जरूर। प्रश्न के लिए धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। बात यह है होलिस्टिक साइंस, होलिस्टिक का मीनिंग होता है पवित्र, और होलिस्टिक का होता है साइंटिफिक, समग्र समग्र भी कर सकते हैं और पायस भी कर सकते हैं। अभी आप देखो समग्र का साइंस क्या कुदरती कानून से अलग हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता है। मगर प्रश्न ये है कि आम आदमी, एक नॉर्मल पर्सन, अपने सामाजिक जीवन में ये आध्यात्म विज्ञान का कैसे लाभ उठा सकता है? सामान्य व्यक्ति को तो कोई बहुत पुण्यशाली बनना है या मोक्ष में जाना है, ये सब्जेक्ट उनके लिए नहीं है इम्पोर्टेंट, मगर जीवन जो जी रहा है उसमें कैसे ये विज्ञान सहाय कर सकता है, इतना ही उनको जानना है। तो मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आध्यात्म विज्ञान आम आदमी को व्यवहारिक जीवन में कैसे सहायक बन सकता है, क्योंकि मास ऑफ पीपल तो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, और कहीं फॉरेन के जो लोग होते हैं वो तो मोक्ष को पुनर्जन्म को मानते भी नहीं है, मगर उनका भी नॉर्मल लाइफ तो है। तो विज्ञान ऐसे व्यक्तियों को भी कैसे हेल्पफुल हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात है, और विज्ञान तो हेल्पफुल होगा ही अगर इसका प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सही होगा तो बेनिफिट करेगा ही। तो छोटी छोटी बातें समझे, भले मोक्ष को छोड़ दे, मुक्ति को छोड़ दे, त्याग मार्ग को छोड़ दे, बाकी और कोई चीज छोड़ने की बात यहां नहीं है, मगर इतना तो हम समझ सकते हैं एक इंसान के नाते कि जब हम जन्म लेते हैं तो हम मां बाप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, भाई बहन सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, रहने का घर या जो कल्चर कहो या रिलीजन कहो मिलता है वो सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, और वहाँ से हमारी जीवन यात्रा शुरू होती है, और जब हमारा मृत्यु होता है तो भी उस अवस्था का सिलेक्शन हम नहीं कर सकते। इतना तो आम आदमी को समझ में आता है, ये कोई विशिष्ट प्रकार की दृष्टि की जरूरत नहीं है। तो इतना तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो जीवन है
वो जीवन अगर हम चलाते हैं तो हमारी मर्जी से संयोग मिलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। तो जैसे जैसे जन्म मिलने के बाद जो संयोग मिलता है, अगर वो संयोग को हम अपने ही कर्मों का फल समझेंगे तो मैं समझता हूँ अवस्थाओं को स्वीकारना आसान हो जाएगा। अवस्था ये नहीं कहती है कि तुम सही हो तुम गलत हो, मगर तुम भुगतान करने वाले हैं वो तो कुदरत का कानून ही है। और भुगतान करने वाले के पास क्या भुगतान करूं वो चॉइस नहीं है, मगर भुगतान करने वाले के पास ये चॉइस है कि जो भुगतान हो रहा है उसमें किसी के पास ये भुगतान करवाने की या भुगतान करने की स्वतंत्रता है नहीं, या भुगतान करना और करवाना दोनों कुदरती कानून के अधीन है। अगर ये समझ में आ जाता है तो ज़्यादातर हम जो ब्लेम और क्लेम करते हैं एक दूसरे के प्रति, ये नहीं रहेगा। दूसरी बात, साधनों को मिलना, जैसे कोई कहता है कि ये कम मेहनत से बहुत पैसा कमाता है और मैं मेहनत करता हूँ फिर भी पैसा नहीं मिलता है। कई लोगों को कहता है कि ये कुछ भी नहीं करता है तो भी लोग इसको रिस्पेक्ट देते हैं, और मैं इतना सारा समाज के लिए करता हूँ फिर भी लोग मेरे को मान नहीं देते, ऐसा क्यों? ये दिखता है फिजिकल लाइफ में, पवित्र व्यक्ति होती है मगर बहुत दुखी होती है, खाना भी नहीं मिलता है उसको। जैसे नरसिंह मेहता, उनको खाना नहीं मिलता था, नौकरी धंधा करता नहीं था वो, तो क्या करेंगे। और बहुत सारे लोग जो गलत काम करते हैं हमको समाज में दिखता है और वो ऐसा आराम करते हैं, और ये जो भिन्नता होती है समाज में, और इसीलिए आम लोगों को पजल होता है आखिर फैक्ट क्या है, क्या दुनिया ऐसे रैंडम चलती है? नहीं, दुनिया रैंडम नहीं चलेगी। दुनिया के हर दिन, हर सुबह, हर शाम और हर आवर्स, हर मिनट, हर सेकंड रूल्स एंड रेगुलेशन से होती है, रैंडम नहीं होती है। हर पल, हर पल हमको शायद समझ में आए या ना आए, मगर कुदरत का कानून जो नियम से चलता है वो नियम इतना सटीक है कि आज से 25 साल के बाद कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, वो आज बता सकते हैं हम, क्योंकि फिक्स है। ये दुनिया कुदरती कानून का मतलब, लॉ ऑफ नेचर का मतलब नियम है। कब दिन होगा, कब रात होगी, कल कब सूर्य ग्रहण होगा, कल कब सूर्य का उदय होगा, अस्त होगा, सब फिक्स है, व्यवस्थित है। तो इतनी सटीक दुनिया जो होती है, इसमें क्या हमारे जीवन में जो संयोग आ गया क्या वो रैंडम हो सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकते हैं। वो भी लॉ के ऊपर अधीन है, मगर इस ब्रह्मांड में दो प्रकार के कानून है। कानून एक प्रकार का है, उसकी दो ब्रांच है। क्या है? ब्रांचेस। एक नेचुरल नेचर और दूसरा अननेचुरल नेचर। नेचुरल नेचर की जो साइकिल है वो ऑटो मोड से चलती रहती है, दिन होना, रात होना, सुबह होना, शाम होना, ठंडी गर्मी, बारिश होना, भर्ती होना, ओट होना, ये नॉर्मल चलता ही रहेगा। तो ये नेचुरल है, फिक्स है। दूसरी अननेचुरल नेचर है। अननेचुरल का मतलब होता है रिजल्ट तो नेचुरल है मगर वो आपके कॉज के ऊपर है, इसलिए अननेचुरल नेचर बताया, क्योंकि कुदरत आपके कर्मों का फल देती है, वो आपने क्या कर्म बनाया उसका फल देगी, तो वो नेचुरल नेचर नहीं होगा। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। हाँ, नहीं, वो तो बाकी सब साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है,
मगर आपने कॉज किया उसका फल देना है। ये कुदरत की खुद की नेचुरल साइकिल नहीं है कि तुम 12 बजे दुखी हो जाओ, 12 बजे तुम सुखी हो जाओ, वो कुदरत की बात नहीं है। कुदरत क्या कहता है, मैं तुम्हारे एग्जाम का क्या देता हूं, रिजल्ट देता हूं। तो कुदरत का नेचुरल साइकिल कैसी होती है, नेचुरल नेचर कि आज सुबह 12 बजे तो हर जगह पे क्या होगा, 12 बजे है, अलग अलग नहीं है। अभी सूर्य का उदय हुआ तो पूरे भारतवर्ष में उदय हुआ है, कोई एक व्यक्ति के लिए। मगर कर्म का कानून ऐसा है जिसका कुदरत रिजल्ट देती है, 12 बजे एक व्यक्ति का जन्म होता है, वही 12 बजे एक व्यक्ति का मृत्यु होता है। इंडिविजुअल, तो वो इंडिविजुअल हो गया। एक व्यक्ति 12 बजे लाखों रुपया कमाता है, दूसरे व्यक्ति 12 बजे लाखों रुपया लॉस करती है, तो वो टाइम साइकिल नहीं है, वो कॉज का इफेक्ट है। कानून भले बीच में है मगर कॉज का इफेक्ट होने के नाते सबकी इफेक्ट अलग अलग है। हालांकि वो भी कुदरती रचना ही है मगर कॉज के ऊपर डिपेंड है, नेचुरल कॉज पर डिपेंड नहीं है। तो इसीलिए जो विभिन्नता दिखती है हमारे समाज के जीवन में, लोगों की लाइफों के जीवन के आधार से, वो विभिन्नता इसी प्रकार से, कर्म अलग है तो कर्म फल भी अलग अलग रहेंगे। मगर इम्पोर्टेंट बात हमारे सबके लिए ये है कि ये कर्मों की भुगतान के लिए संजोग भी कुदरत ही प्रोवाइड करती है। सुख के संजोग होगा तो भी कुदरत प्रोवाइड करेगी लाभ के लिए, और दुख के संजोग वो है तो किस प्रकार से आपको भुगतान करना है वो संजोग भी कुदरत प्रोवाइड करेगी। और कुदरत कहती है कि कर्मों की भुगतान तो आपको करनी पड़ेगी, मगर मैं आपको इस कर्मों की भुगतान के अंदर ऐसे जीवन दे रहा हूँ एज अ ह्यूमन लाइफ कि आपको रिलैक्सेशन भी फील होगा, नहीं तो आप जी सकते नहीं है। अगर एक व्यक्ति को 50 करोड़ का नुकसान हो गया और उनके पास खाने पीने के लिए और कुछ ज़्यादा पैसा नहीं है तो फिर वो समझेगा कि मैं मर जाऊंगा। मगर कुदरत कहती है कोई बात नहीं, आप दिन में भले ही 12 घंटा आप तनाव महसूस करो मगर रात को जब नींद आएगी तो आप तनाव मुक्त हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, फिर दूसरे दिन शुरू होगा। तो ये रिलैक्सेशन के आधार से इंसान जी सकता है, नहीं तो जीना भी मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात कुदरत ने ये कहा कि कोई व्यक्ति को दुख का भुगतान की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो कुदरत तो कानून के मुताबिक आपको देंगी, मगर कुदरत कहता है अगर आपकी फिजिकल या मेंटली स्थिति इस भुगतान को सहन करने की नहीं है फिर भी भुगतान तो आएगी, मगर आप अनकॉन्शियस हो जाओगे, मगर भुगतान तो रहेगी। जैसे कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और एकदम पेन होता है मगर आप पेन सहन नहीं करते तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। कुदरत ने कहा बेहोश हो के भी भुगतान तो करनी पड़ेगी। तो कानून देखो कितना वो सपोर्ट करती है हमको, हमारे ही कर्मों के फल में भी कुदरत क्या करती है, सपोर्ट करती है, मदद करती है। और इसीलिए कभी कुदरत कोई भी मनुष्य के विरोधी नहीं हो सकती, अन्याय नहीं करती, क्योंकि आज बहुत सारा गलत काम करने वाला, मानवता के विरुद्ध कार्य करने वाला भी इंसान अगर दुनिया में जिंदा रह सकता है वो भी कुदरत के सपोर्ट से ही। बिना कुदरत के सपोर्ट किसी को जिंदा रहना वो संभव नहीं है। एक छत्र राज है, एक छत्र कुदरत का। और एक ही प्रिंसिपल है कुदरत का, रियली हेल्प द क्रीचर्स। अभी हेल्प का मतलब आप समझो कि हेल्प का मतलब हैप्पीनेस, वो करेक्ट नहीं है। हेल्प का मतलब होता है आपके जो कर्म है वो कर्मों के भुगतान के लिए सभी सारी सुविधा देना, सर्वाइवल। यस, यही तो उनकी हेल्प है। अगर चोर चोरी करेगा
तो उनके लिए भी संजोग बनाएंगे, छूटने का भी बनाएंगे, पकड़वाने का भी बनाएंगे, जेल में जाने का भी बनाएंगे, उनके परिवार को भी चलाएंगे, चोर का खुद का जीवन भी चलेगा। तो भुगतान भी है और सर्वाइव भी है, क्योंकि कुदरत कभी नहीं कहती है कि तुम बिना कर्मों की भुगतान अपना जीवन खत्म करो। मिनिमम सर्वाइवल बोलते हैं। यस, तो हर प्रकार की परिस्थितियां हर इंसान को आएगी, और आप जब समाज में जीते हैं तो हर एक या दूसरे व्यक्ति के मुंह से आप सुनोगे कि मैं जिस प्रकार से जीवन मैंने पास किया है वो कोई साधारण नहीं था, बहुत डिफिकल्टी में से बाहर निकला हूं। और ये सबकी कहानी है, कोई एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, मगर सबको लगता है कि मैं ही ऐसे परिस्थितियों में से पास हुआ हूं। ऐसा नहीं है, सब व्यक्ति के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ऐसे ही अनुभव से पास होके आगे बढ़ता है। तो इसीलिए कुदरत को जितना समझोगे, कुदरती कानून को जितना समझोगे, मैं समझता हूँ सामाजिक जीवन भी आपका आसान हो जाएगा और कभी किसी के ऊपर ब्लेम क्लेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर एब नॉर्मल संजोग भी आ गया सुख का दुख का, तो भी आप जिस प्रकार से व्यक्ति के ऊपर ब्लेम करते हो, भगवान के ऊपर करते हो, कभी कुदरत के ऊपर करते हो, कभी स्टार के ऊपर करते हो, वो करेक्ट नहीं है। करेक्ट ये है कि ये आपके ही कर्मों का फल है, और कुदरत को यही प्रार्थना करो, या तो परमात्मा को यही प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, मैं इस कर्मों के भुगतान के समय भी संभाव में रहूं, किसी के ऊपर ब्लेम और क्लेम नहीं करूं, और दोबारा इस प्रकार का संजोग न मिले, ऐसी मेरे को दृष्टि दो। तो ये कर सकते हैं आप, ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। अगर जो बात आपको भुगतान के रूप में आज पसंद नहीं है, तो दोबारा वो बीज नहीं डालेंगे तो फल नहीं आएंगे। करेक्शन तो बीज में ही करना है, फल तो अभी जो मिल रहा है वो तो कंपलसरी है, मगर बीज डालोगे तो फल परिवर्तन होगा, बिना बीज फल परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत सारे रास्ता ये आध्यात्म विज्ञान के मार्ग में आप सबको बताया गया है। सामाजिक जीवन भी अच्छा जीना चाहते जी सकते हैं, और सामाजिक जीवन में जो कुछ दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, उनका सॉल्यूशन भी आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। और हम आगे आगे बात विज्ञान की। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि एक बार मुक्ति की बात छोड़ दीजिए, मुक्ति विषय महात्मा जिज्ञासु उनके लिए छोड़ दीजिए, सामान्य गृहस्थी के लिए आपने बहुत सुंदर बात बताई। उसको कम से कम बेसिक चीज इतनी समझनी है, ये जो कुदरत है इसका एक छत्र राज है, तो कुदरत को समर्पित हो जाओ। कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है। इसका अर्थ ये हुआ कि कुदरत के आपने दो तरह के कानून बताए, एक तो समग्र पे लागू होता है, समस्त ब्रह्मांड पे लागू होता है, वो नेचुरल कानून। एक इंडिविजुअल पे लागू होता है, जो हमारे 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत जीवित प्राणी उन सब पे इंडिविजुअली लागू होता है, वो समझना। लोग एनलाइटनमेंट कहते हैं, लोग कुंडलिनी जागरण कहते हैं, और लोग प्रज्ञा का जागरण करते हैं, वो आपके साक्षात कुदरत के कानून से, सनातन सत्य से, अध्यात्म विज्ञान से मुक्ति के मार्ग से मिलता। स्वामी जी आपके प्रति समस्त श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।